हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी में। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम सभी को नॉलेज होनी चाहिए। आज का टॉपिक है इमरजेंसी मेडिसिंस एंड प्रोडक्ट्स टू ऑलवेज कीप एट होम। इसका मतलब ये हुआ कि आज हम जानेंगे ऐसी दवाइयों और प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमेशा हमारे घर पे होने चाहिए, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन से हम डील कर सकें। इन्हें फर्स्ट एड किट भी कहा जा सकता है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एड प्रोडक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे घर पे हमेशा होने चाहिए। इसमें सबसे पहले आता है बैंडेज। बैंडेज कब काम आती है? कुछ भी छोटा सा कट लग जाए या कोई थोड़ी सी चोट लग जाए तो हम बैंडेज को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए बैंडेज जो है वो हमेशा हमारे घर पर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है गौज ड्रेसिंग, इसे पट्टी भी कहते हैं। ये भी बहुत हेल्पफुल होती है, अगर कोई ज़्यादा बड़ी चोट लग जाए तो हॉस्पिटल जाने से पहले हम एक बार घर पे ही पट्टी कर लेनी चाहिए, जिससे कि वो चोट जो है तब तक के लिए ठीक रहे और उसके ऊपर कोई भी डर्ट वगैरह जो है वो जमे ना। नेक्स्ट आती है मेडिकेटेड सीजर। जो कैंची होती है वो फर्स्ट एड के लिए अलग होनी चाहिए एंड जो हम घर पे यूज़ करते हैं वो अलग होनी चाहिए। इसलिए मेडिकेटेड सीजर जो है वो हमेशा हमारे घर पर होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है एडहेसिव टेप। ये कुछ अलग टाइप की टेप होती है जो अगर हम पट्टी करते हैं तो उसे चिपकाने के लिए काम आती है, तो ये भी हमारे घर पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है थर्मोमीटर। अगर किसी को भी ऐसा फील हो कि हाँ थोड़ा बहुत बुखार है तो उसके लिए हमारे घर पे थर्मोमीटर होना चाहिए, जिससे कि हम इजीली चेक कर सके कि बुखार है या नहीं है, और अगर है तो हमें आगे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं या फिर क्या स्टेप्स लेने हैं वो हमें पता चल जाए। थर्मोमीटर जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक आता है मर्करी थर्मोमीटर एंड दूसरा होता है डिजिटल थर्मोमीटर। अगर किसी को मर्करी थर्मोमीटर यूज़ करने में कुछ दिक्कत आए तो डिजिटल थर्मोमीटर बहुत ही ईजी होता है यूज़ करना, तो ये हमेशा हमारे घर पर होना ही चाहिए। नेक्स्ट आता है हॉट वाटर बैग। जब हमें बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है तो हमें मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, नॉर्मल माइल्ड पेन के लिए हमें हॉट वाटर बैग का यूज़ करना चाहिए। जहाँ पर भी दर्द हो रहा है वहाँ पर इसे लगाने से थोड़ा बहुत जो है आराम मिलता है, तो इसलिए हॉट वाटर बैग भी हमेशा हमारे घर पर होना चाहिए। नो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ स्प्रेज, ऑइंटमेंट, क्रीम, बाम एंड लिक्विड्स जो हमारे घर पर होने चाहिए इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। इसके अंदर सबसे पहले आते हैं एंटीसेप्टिक लिक्विड। अगर कोई भी माइनर इंजरी हो जाती है तो उसके ऊपर से डर्ट को साफ करने के लिए हम एंटीसेप्टिक लिक्विड का यूज़ करते हैं, जैसे कि डिटॉल हम सबके घर पर होती है तो डिटॉल जो है वो हमेशा होनी ही चाहिए घर पर। नेक्स्ट आती है एंटीसेप्टिक क्रीम। जब चोट लग जाती है उस चोट को हम साफ़ कर लेते हैं तो उसके ऊपर हमें क्रीम लगानी होती है, तो वो भी हमारे घर पे हमेशा होनी चाहिए, जैसे कि बोरोप्लस हो गई, सेवलॉन हो गई, ऐसे कोई भी क्रीम जो है वो हमारे घर पे हमेशा होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है पेन रिलीवर स्प्रे, जेल और बाम। कभी कभी जो है हमारे दर्द होता है हाथों में, पैरों में, जॉइंट्स में, तो ऐसा कभी कभी होता है तो हम उसके लिए स्प्रे, जेल या बाम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मूव हो गई, वॉलिनी हो गई, ओमनी जेल हो गई, झंडू बाम हो गई, ये सब चीज़ें जो है हमारे घर पे होनी चाहिए। जैसे कभी सिर दर्द होता है तो उसके लिए झंडू बाम हो गई, कमर दर्द हो गया या पैर दर्द हो गया तो उसके लिए हम मूव, वॉलिनी, ओमनी जेल, इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे घर पर होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन हमारे घर पर होनी चाहिए। यहाँ पर हम जिन मेडिसिंस की बात करेंगे इन्हें ओटीसी मेडिसिन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ओवर द काउंटर मेडिसिन। इसका मतलब ये है कि इन दवाइयों को हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है पेन किलर। दर्द हम लोगों के नॉर्मली कभी भी हो जाता है तो इस वजह से पेन किलर्स जो है वो हमेशा हमारे घर पर होनी चाहिए। अब दर्द हो गया, जैसे कि सिर दर्द हो गया, पूरी बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो गया तो उसके लिए पेन किलर्स होनी चाहिए। पेन किलर्स जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, एस्पिरिन हो गई, ये हमेशा हमारे घर पर होनी चाहिए। और जो पैरासीटामोल है ये बच्चों के लिए अलग होती है एंड एडल्ट्स के लिए अलग होती है, वो दोनों हमारे पास अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। नो नेक्स्ट आती है एंटाहिस्टामिन्स। ये दवाइयाँ जो हैं वो अगर कोई भी एलर्जी हो जाती है तो तब इनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि सेट्रिजिन हो गई, लोराटाडिन हो गई, ये मेडिसिन भी हमारे घर पर होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कभी भी हो जाता है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए जो है हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जैसे कि एमोक्सिसिलिन हो गई, एजिथ्रोमाइसिन हो गई, ये भी हमारे घर पर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन हमेशा हमारे घर पे होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारा जी खराब या वॉमिटिंग हो सकती है फूड पॉइजनिंग या किसी भी रीजन की वजह से।
इसके लिए जैसे कि ओंडासिट्रोन हो गया या फिर डोमपेरिडोन हो गई, ये मेडिसिंस जो है हमारे घर पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है गैस इन स्टमक और एसिडिटी। सो गैस बनना या फिर एसिडिटी होना ये भी बहुत ही कॉमन है, तो इसके लिए ओमीप्राजोल या फिर पेंटाप्राजोल, ये मेडिसिन जो है हमारे घर पे हमेशा होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्ज हो जाता है कभी कभी, तो इसके लिए जो मेडिसिन है वो बेसिकोडाइल या फिर इसके लिए टैबलेट जूलेक्स जो है वो हमारे घर पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है डायरिया और लूज मोशन, ये भी कभी भी हो सकता है कुछ गलत खाने की वजह से, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होने की वजह से, तो इसके लिए टैबलेट लोपिरामाइड जो है वो हमारे घर पे हमेशा होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कोल्ड स्नीजिंग रनी नोज, तो जुकाम या फिर नाक बहना ये भी कभी कभी हो जाता है, तो इसके लिए सेट्रिजिन या फिर एविल, ये मेडिसिन हमारे घर पे होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट कफ़ के लिए जो है, कफ़ भी अब दो तरीके का होता है, ड्राई कफ़ एंड वेट कफ़। तो सूखी खांसी के लिए हमारे घर पे सिरप एस्कोरिल डी होनी चाहिए, एंड वेट कफ़ मतलब गीली खांसी के लिए हमारे घर पे सिरप ग्रिलिक्टस बीएम जो है वो हमारे घर पे होनी चाहिए। सो ये थी कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिंस, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं और अपने घर पर रख सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए। अब दूसरी लाइफ सेविंग ड्रग्स, जैसे कि घर पे कोई डायबिटिक पेशेंट है या फिर कोई हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो उसको जो भी दवाइयाँ डॉक्टर ने सजेस्ट की हो वो भी उनके लिए हमेशा घर पे इमरजेंसी सिचुएशन में होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप ये जो मेडिसिंस या फिर ये जो भी चीज़ें बताई गई है, अगर आप इनको दो तीन बार यूज़ कर लेते हैं उसके बाद में कोई बेनिफिट नहीं होता है, तो डॉक्टर को जल्दी से जल्दी हो सके आपको कंसल्ट करना चाहिए, एंड मेडिसिन की एक्सपायरी डेट जो है वो आपको टाइम टू टाइम चेक करनी चाहिए। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।